Assalamualaikum viewers, netmag news bulletin world today and tomorrow ke saath main hu Rabia Farooq. Sabse pehle badhte hain headlines ki jaane. Chini scientists ki space technology mein ek aur hairat angez ijaad. China Pakistan technology manchubon mein naye safar ka aagaaz. Ignite National Technology Fund ne Quetta mein naye manchube ke inkaad ka elaan kar diya. Phir Punjab nahi jaungi ke trailer ne social media par dhoom macha di. फेक अकाउंट से परेशान आवाम के लिए खुशखबरी, हुकूमत ए पाकिस्तान नो मोर फेक अकाउंट्स के लिए कोशिश। एशिया के सबसे बड़े रोबोट कंपटीशन में अब पाकिस्तानी टीम भी अपनी नुमाइंदगी करेगी। क्रिकेट मैदान के बाद हसन अली के स्टाइल ने तालीमी मैदान में भी एंट्री दे दी। फरजाना शरफ अली ईरानी एयरलाइन की पहली खातून सरबराह मुकर्रर। अफगान सूबे कंटर में अमरीकी हमला, दाइश कमांडर हलाक। तफसील के साथ चीनी साइंसदानों ने फोटोन को खला में 310 मील की मुसाफत का शानदार तजर्बा कर लिया। ये तजर्बा क्वांटम इंटेंगलमेंट के प्रोसेस के जरिए से किया गया और आपको बताते चले कि ये तजर्बा अपनी नौयत का दूसरा कामयाब तजर्बा था जिसमें फोटोन की रफ्तार और मुसाफत पहले से 5 गुना ज्यादा रही। 1.1 रूट के मंसूबों के बाद पाकिस्तान और चाइना के दरमियान टेक्नोलॉजी के मंसूबों का भी आगाज हो चुका है। चीनी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी वैन गैंग और पाकिस्तानी वजीर बराए दिफा राणा तनवीर ने इस्लामाबाद में कायम PCSIR के हेडक्वार्टर में CSTTC चाइना साउथ एशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर का इफ्तिताह किया। PCSIR के चीफ डॉक्टर शहजाद आलम का कहना था कि पाकिस्तान और चाइना इस नौयत के 26 मजीद मनसूबों के मुसविदे पर दस्तखत कर चुका है। इग्नाइट टेक्नोलॉजी फंड ने क्वेटा में नेशनल इंटरनेशनल तकाजों के एन मुताबिक इंक्यूबेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ IT और टेलीकॉम और इग्नाइट फंड की बाहमी कोशिशों से लाहौर, कराची और पिशावर में इंक्यूबेशन सेंटर काम कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर मुमलिकत अनुजा रहमान का कहना था कि इस नौयत के मनसूबों से नौजवान इंटरप्रेन्योर्स को नित नए और जदीद तकाजों के एन मुताबिक काम करने का मौका मिलेगा। आपको मजीद बताते चले कि अपने मुसविदे को जमा कराने की आखिरी तारीख 14 अगस्त 2017 मुकर्र की गई है। कराची के मुकामी सिनेमाघर में रिलीज होने वाले फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। मारूफ डायरेक्टर नदीम बेग और मुसनिफ खलील रहमान का लिखा हुआ ये एक रोमानवी ड्रामा है जबकि पर्दे पर हुमायूं सईद और महविश हयात जलवा अफरोज होंगे। आपको मजीद बताते चले कि YouTube पर पाकिस्तानी फिल्म ट्रेलर में देखे जाने वाला ये सबसे ज्यादा ट्रेलर बन चुका है। फेक अकाउंट की बढ़ती हुई तादाद से बचने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने फेसबुक इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि नए अकाउंट बनाने के अमल को मोबाइल फोन से मुंसलिक किया जाए क्योंकि मोबाइल फोन नंबर बायोमेट्रिक तरीके से तस्दीक शुदा है जो कि तकरीब कार्य की सूरत में फायदा मंद साबित हो सकते हैं और किसी भी किस्म के मुलजिम तक पहुंचने के लिए कारामद साबित होंगे। रोबोकॉन के जेर एहतमाम एशिया के सबसे बड़े रोबोट मुकाबले का आगाज जिसमें पाकिस्तानी टीम 22 ममालिक के हमरा अपना मॉडल पेश करेगी। कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टीम 27 अगस्त को टोक्यो के लिए रवाना होगी। ग्राउंड के बाद हसन अली के स्टाइल ने तालीमी मैदान में भी एंट्री दे दी। ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने वाले नौजवान ने अपनी डिग्री से पहले हसन अली के अंदाज में जश्न मनाया। यूट्यूब पर लगातार व्यूवर्स के बाद ICC ने इसे ट्वीट भी किया। ईरान में पहली बार किसी खातून को कौमी एयरलाइन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। सन 1940 में कायम होने वाली ईरान की कौमी एयरलाइन में पहली बार किसी खातून को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ओहदा दिया गया। ईरान एयरलाइन की नई CEO 40 साल फरजाना शर्फपानी है जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD होल्डर है। फरजाना शर्फपानी ईरान एयरलाइन में पहले भी इनबोर्ड काम कर चुकी हैं। अफगान सूबे कंडर में अमरीकी हमला जिसके नतीजे में दाइश कमांडर हलाक। अमरीकी फौजी ने अफगानिस्तान के शुमाल मशरिक सूबे कंटर में एक हमले के दौरान दाइश के एक अहम कमांडर को हलाक कर दिया। पेंटागन ने दाइश कमांडर की हलाकत की तस्दीक करते हुए इसके बारे में बताया है कि अबू सईद खरासा सूबे में दाइश का अमीर था। पेंटागन के मुताबिक ये कार्रवाई गुज़िश्ता हफ्ते के आगाज में की गई। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करते रहें हमारी वेबसाइट www.netmag.pk एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर फेसबुक पेज एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।